हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो हेयर स्प्रेज के ऊपर रिलेट करती है कम्प्लीटली। हेयर स्प्रे कब यूज़ की जाती है? पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जब मैंने पहले वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बताए थे। एक तो ये बताया था, उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था क्लाइंट की हेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें हेयर स्टाइलिंग करने से पहले। दूसरी मैंने आपको प्री स्टाइलिंग, स्टाइलिंग से पहले कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ करें ये बताया था, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हेयर स्टाइलिंग करते वक्त आप कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ करें उनकी इन्फॉर्मेशन दूँगी। देखिए, हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते वक्त जो हमारी इन चीज़ों की जो स्प्रेज हैं उनकी नॉलेज दूंगी। हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स मैं आपको, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज की जो क्लास है कि हेयर स्टाइलिंग करते हैं तब कौन कौन सी हेयर स्प्रेज का यूज़ करें। हेयर स्प्रे दो तरह की होती हैं, एक होती है फ्लैक्सीबल, एक होती है नॉन फ्लैक्सीबल। क्या होती है? एक होती है फ्लैक्सीबल हेयर स्प्रे, एक होती है नॉन फ्लैक्सीबल हेयर स्प्रे। फ्लैक्सीबल हेयर स्प्रेज वो होती हैं जिनको करके, मान लीजिए आपने हेयर स्टाइलिंग कर ली और क्लाइंट को वो पैटर्न पसंद नहीं आया, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो आसानी से, वो है फ्लैक्सीबल। जैसे इसका नाम है फ्लैक्सीबल, वर्क करेगा फ्लैक्सीबल ही होके। नेक्स्ट होता है नॉन फ्लैक्सीबल, जो फ्लैक्सीबल नहीं होती हैं, मीन्स टू से कि आपने स्प्रे कर दी तो वो फिक्स हो जाएगी, वो है नॉन फ्लैक्सीबल। मीन्स टू से कि अगर आपने एक नॉन फ्लैक्सीबल कोई हेयर स्टाइलिंग हेयर डू किया है और आपने उस पर नॉन फ्लैक्सीबल हेयर स्प्रे कर दी, अगर आप उसे रिमूव करोगे ना और उसे फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे तो उसमें वो इफ़ेक्ट नहीं आता है, वो अच्छे वाला इफ़ेक्ट नहीं आता है। मीन्स टू से कि एक नेचुरल लुक नहीं आएगी आपकी हेयर स्टाइलिंग में, दैट इज़ नॉन फ्लैक्सीबल हेयर स्प्रे। तो फ्लेक्सिबल के बारे में हम बाद में बात करते हैं, आज हम नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल कौन कौन सी होती हैं। तो नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे जिसको आप पैटर्न बना दिया फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हम नॉन फ्लेक्सिबल यूज़ ही क्यों करें, हम फ्लेक्सिबल क्यों ना यूज़ करें। देखिए, जो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है, यानी कि 800,000 की रेंज से स्टार्ट होती हैं, और जो आपकी नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज होती हैं वो आपकी थोड़े सस्ती आती हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें यूज़ करते हैं। हेयर स्प्रे बहुत तरह की होती हैं, कुछ हेयर स्प्रे स्टिकीनेस ज़्यादा होती है, कुछ हेयर स्प्रे ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, कुछ हेयर स्प्रे हाइड्रेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, मॉइस्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं और आपके हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्ट रखती हैं, कुछ में वाटरी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अलग अलग हेयर स्प्रेज होती हैं, ये कम्प्लीटली हम जो वर्क करते हैं तभी पता लगता है। देन नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे किस तरह से आती है, इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो आता है आपका नंबर सिस्टम, एक होता है डॉट सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक, 1 से लेके 8 तक आपका नंबर सिस्टम होता है। या तो आपकी हेयर स्प्रे पे 1 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं, या कि लेवल 4, लेवल 8, यानी लेवल 1, इस तरह से। या फिर उन पर डॉट, अगर नंबर सिस्टम नहीं है तो डॉट सिस्टम होगा कि डॉट बना, एक डॉट बना हुआ है, दो डॉट बने हुए हैं, तीन डॉट्स बने हुए हैं, चार डॉट्स बने हुए हैं, तो दो सिस्टम होते हैं। जितने कम डॉट्स उतनी कम होल्डिंग, जितने कम नंबर उतनी कम होल्डिंग, जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी ज़्यादा होल्डिंग, जितने ज़्यादा नंबर उतनी ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप, इतनी ज़्यादा होल्डिंग। सिंपल सी बात है, अगर एक नंबर की स्प्रे है तो उसकी होल्डिंग कम होगी। नॉन फ्लेक्सिबल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल में कई तरह के आते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल में आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगी। जितने ज़्यादा नंबर, 8 नंबर है तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग, तो इनको सेम 1 डॉट है तो कम होल्डिंग, ज़्यादा जितने ज़्यादा डॉट बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा होल्डिंग होती रहेगी। नेक्स्ट है कि आपको ये जो हमारी नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे है इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होती हैं लो स्ट्रेंथ, एक होते हैं मीडियम स्ट्रेंथ, एक होते हैं हाई स्ट्रेंथ, या फिर कहें लो ग्रिप, मीडियम ग्रिप, हाई ग्रिप, ऐसे भी बोल सकते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, ऐसे भी बोल सकते हैं। जस्ट आपको समझना है लो, मीडियम और हाई से। लो में कौन कौन सी हेयर स्प्रेज आती हैं? लो में वो आते हैं जिनका नंबर 1 और 2 का होता है। 1 और 2 का नंबर वाली हेयर स्प्रे लो की होती हैं,
लो ग्रिप होती है, इनको कहाँ यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगी। नेक्स्ट है 3, 4, 5, 6, ये मीडियम में आती हैं। 3, 4, 5, 6 ये इनकी मीडियम ग्रिप होती हैं, ये मीडियम में काउंट होते हैं। ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता है, ग्रिप बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है 6, 6, 7, 8 सिक्स भी हाई में आ जाता है। 6, 7, 8 ये आपकी हाई ग्रिप में होती हैं। 6, 7 और 8 का यूज़ कम होता है, यानी कम मीन्स टू से कि अगर आप 6, 7, 8 नहीं भी लोगे, नहीं भी यूज़ करोगे, तो आप 5 नंबर की भी आपका काम चला देगी। 5 की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी होती है, 6, 7, 8 की ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपने मान लीजिए कोई हेडू करना है और आप चाहते हो कि पता नहीं वो क्रिएट होगा नहीं, इतनी फिनिशिंग आएगी या नहीं, तो आप सबसे पहले ना 1 और 2 नंबर की हेयर स्प्रे का यूज़ करोगे, 1 या फिर 2 लो। जब भी आप पफ बनाते हो तो 1 या 2 नंबर की हेयर स्प्रे करोगे, उसके बाद लाइंस क्रिएट करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। 1 और 2 नंबर की हेयर स्प्रे क्या करती हैं, स्टिकीनेस कम रखती हैं, ठीक है, स्टिक जो होती हैं वो कम होती हैं, और जो आपकी हेयर स्टाइलिंग है वो आपके हाथों में भी नहीं चिपकती। जो हेयर स्टाइलिंग है बहुत फिनिशिंग से आती है, जो आपके फ्रीजी हेयर्स हैं उन्हें बिठा देती हैं और आपके हेयर्स को होल्ड करके रखती हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट देती हैं 1 और 2 नंबर की। इसमें अगर मैं ओसिस प्लस की जो हेयर स्प्रे है, ये 1 नंबर का होल्ड होता है, ओसिस प्लस प्लस 1 में ही आता है, ठीक है ना। तो ओसिस प्लस का जो हेयर स्प्रे है वो 1 नंबर में आता है, और ये बहुत अच्छी हेयर स्प्रे है जो शोज़कॉफ की है, और इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। जो आपकी शाइन स्प्रेज होती हैं, शाइन स्प्रे, ठीक है, वो सारी आपकी 1 नंबर के होल्ड में आती हैं, 1 और 2 नंबर के होल्ड में जो आपकी शाइन स्प्रेज होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं देती। और अगर मान लीजिए आपने हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, तो जैसे कि आपने एक पैटर्न क्रिएट करना है, तो पहले स्प्रे कर लें ओसिस प्लस की या 1 नंबर की कोई शाइन स्प्रे कर लें, उससे आपके हेयर्स का फ्रीज कंट्रोल हो जाएगा और ग्रिप आ जाएगी, यानी हेयर जो है वो पर्टिकुलरली मैनेज रहेंगे और फ्रीज नहीं आएगा। तो उसको करके फिर हम उसको जो भी हमने पैटर्न बनाना है फिर उसके बाद लाइंस क्रिएट करते हैं, उसमें स्टिकीनेस नहीं होती, आपकी हेयर्स को एक जगह सस्टेन रखती हैं। ये 1 और 2 कौन सी, जैसे कि जो शाइन स्प्रेज होती हैं, ओसिस प्लस की भी शाइन स्प्रे है, और ये जो है बहुत अच्छी होल्ड भी एक नंबर का देगी और साथ में शाइन भी देगी और आपकी स्टिकीनेस भी देगी, और जो आपका पैटर्न क्रिएट होगा वो नीट एंड क्लीन होगा। ये तो हो गई आपकी 1 और 2 नंबर की। नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 नंबर्स। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे जैसे हमारी जो सेटिंग्स की होल्डिंग है वो बढ़ रही है, ऐसे ही हमारे पास अलग अलग तरह की हेयर स्प्रेज आते हैं, जैसे कि नोवा की आती है, जैसे गैस्बी की आती है, टाफ्ट की आती है, और वेला की आती हैं, और हमारे पास बहुत सारी, ये जो ये एनजो की भी हैं, तो बहुत सारी जो स्प्रेज आती हैं, हर एक स्प्रे का अलग इफेक्ट है, अलग थोड़ी सी स्टिकी है। ये जो नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे है ना, ये थोड़ी सस्ती होती हैं जिस वजह से ये यूज़ की जाती हैं। कॉस्टली होंगी तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो फ़र्क तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। जब 3, 4, 5, 6 की बात करते हैं, तो आपका जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी होल्डिंग बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए आपने 1 और 2 से पैटर्न क्रिएट कर लिया, तो आप 3 नंबर की हेयर स्प्रे कर दें या 5 नंबर की हेयर स्प्रे, तो उनको होल्ड आपको होल्ड करना है। 7, 8 का यूज़ बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सब जैसे कि हमारे गैस्बी की है, गैस्बी की सिल्वर और ब्लैक में आती है। जो सिल्वर होती है वो 4 नंबर का होता है, और जो ब्लैक होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही टाफ्ट की ब्लैक और ब्लू में आती है। जो ब्लैक वाली होती है वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लू वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स ये सब फ़र्क होते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है, नंबरिंग सिस्टम उन पे दिया होता है। 7 और 8 नंबर की हेयर स्प्रेज का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम किया जाता है, मैं बहुत कम करती हूँ। वैसे मैं तो, मेरे पास हेयर स्प्रेज काफ़ी कम है, मेरा हेयर स्प्रेज ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, एंड मैं आपको नाम ज़रूर बता रही हूँ इनके, तो आप ये सब यूज़ करके देख सकते हैं।
और अगर आपका अच्छा बजट है तो आप ओसिस प्लस की ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, स्प्रे है 1 नंबर का होल्ड के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। और आगे सेम वही बात है, मीडियम में आ जाएं, मीडियम में आ जाएं तो हमारे पास 3, 4, 5, 6 की होल्डिंग में आ जाती है। 4 और 5 मैक्सिमम है, 5 से आप 5 की नंबर की हेयर स्प्रे भी आपको बहुत अच्छा होल्ड दे देती है। तो इसलिए इस तरह से जो है ये हमारे नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज होते हैं। अगर आप ओसिस प्लस की स्प्रे कर दी और फिर से आपको जो है अपना हेयर डू पसंद नहीं आया और देन आप उसको फिर से एक दो बार रिक्रिएट कर सकते हो, वो हो जाएगा कि होल्डिंग कम है। तो हेयर स्प्रे अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ हेयर स्प्रे जो होती है मॉइस्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती हैं। कुछ हेयर स्प्रे में स्टिकीनेस ज़्यादा होती है, कुछ हेयर स्प्रे ऐसी होती हैं जो जस्ट आपने कर दिया ना तो आप उसे फिर से क्रिएट ही नहीं कर सकते, बहुत हार्ड होती हैं। वही बात नंबर सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज का यूज़ कर सकते हो, अगर आपने रिक्रिएट करना है फिर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगी और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।